हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं सुमिता, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं करा रही हूँ आपको यूजीसी नेट एजुकेशन की तैयारी। हमारी यूनिट चल रही है 8, जिसका है आज आपका सेकंड पार्ट। जल्दी ही कंप्लीट होने वाली है क्योंकि 2 यूनिट बची है और हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोगों को क्या करना है, मैंने आप लोगों को बिल्कुल फ्री वीडियो दिए हैं आपके सिलेबस के हिसाब से, टॉपिक वाइज। ओके, तो ये आपकी फ्री क्लास है, सारे बच्चे बस पूरा वीडियो देखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT का अर्थ, लाभ एवं हानि, उपयोगिता, इसके बारे में बताया था, ठीक है। और आज हम जानेंगे संचार के आधुनिक साधन क्या क्या हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक तकनीक पर आधारित संचार के प्रमुख साधन होते हैं, जैसे कि आपका पेजर, सेलुलर फोन, फैक्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सिटीजन बैंड रेडियो, उपग्रह संचार, इंटरनेट, ईमेल, ठीक है। तो इनके बारे में अगर हम कहें तो थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारत में पेजर का 1982 में एशियन गेम्स के दौरान पहली बार प्रयोग किया गया था। ये आयताकार जो है आपका 3 × 1/2 इंच लंबा और 2 × 1/2 इंच चौड़ा छोटा सा यंत्र होता है, जो आने वाले संदेशों को जो है लिखित रूप में यंत्र की स्क्रीन पर दिखाता है। तो इसका जो है बेतार कनेक्शन पेपर बॉक्स से जुड़ा होता है, यानी कि वायरलेस होता है, ठीक है। संदेश पर ये यंत्र जो है पी की ध्वनि करता है और ये यंत्र धारक बटन जो है दबाकर संदेश प्राप्त करता है। इसका लाभ क्या है, इस यंत्र को हम जेब में डालकर व्यक्ति निर्धारित परिधि में कहीं भी घूम सकते हैं। पेज धारक संगठन में निरंतर संपर्क में रहता है, लेकिन इसकी सीमाएँ भी होती हैं। सीमाएँ क्या होती हैं, ये निर्धारित परिधि में ही क्रियाशील होता है। ये केवल निश्चित भाषा में ही लिखित संदेश देता है, यानी कि इसकी एक लिमिट होती है कि इतनी लिमिट तक ही संदेश दे सकता है। और ये एकल मार्गीय होता है, इसका धारक जो है संदेश प्राप्त कर सकता है पर दे नहीं सकता। यानी कि आपने अगर यूज किया है तो आप मैसेज ले तो सकते हो लेकिन दे नहीं सकते। ओके, फिर आपका आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये जो है सचित्र संप्रेषण, यानी कि हम कहें जो हम वीडियो कॉल करते हैं, ठीक है, इस तरीके से महत्वपूर्ण साधन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है। इसके द्वारा जो है विभिन्न अलग अलग स्थानों पर उपस्थित लोग वास्तविक सभा की भांति संचार करते हैं। इनमें ना केवल संदेशों को संप्रेषित करते हैं बल्कि एक दूसरे से सजीव वार्ता भी कर सकते हैं, जैसे कि हम लाइव आकर बात करते हैं या फिर हम वीडियो कॉल में करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये होता है आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसमें जो है आवश्यक सामग्री क्या होती है, ये जो होता है कंप्यूटर के द्वारा होता है इसका कॉन्फ्रेंसिंग। इसके लिए कंप्यूटर, PC, वेब कैमरा या फिर टेलीफोन कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन, और आजकल तो फ़ोन से भी आप कर सकते हो। तो बिना कंप्यूटर के द्वारा डिजिटल वेब कैमरा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मशीन, टेलीफोन, सैटेलाइट कनेक्शन और प्रोजेक्टर। अब इसके लाभ क्या होते हैं, विभिन्न स्थानों पर बैठे लोग लगभग आमने सामने की तरह संचार कर सकते हैं, यानी कि बातचीत कर सकते हैं। एक साथ संचार केवल 2 अलग अलग स्थानों से पक्षों के साथ ही किया जा सकता है, लेकिन उन स्थानों से संचार बनाए रखा जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही दृश्य एवं श्रव्य दोनों संकेतों का संचार मिलता है। आप जो है सामने वाले को देख भी सकते हो, उसको संकेत भी दे सकते हो, उसको बता भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दृश्य और श्रव्य दोनों चीज़ें होती हैं, सुनते भी हो। लंबी दूरियों की बिना यात्रा किए सभा सम्मेलन वीडियो, जैसे कि आप कहीं जा नहीं सकते लंबे टाइम पे, तो आप घर बैठे ही जो है सम्मेलन वगैरह है, सभाएं वगैरह है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसमें जो है सहभागिता लेकर आप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि अभी लॉकडाउन के समय जो है घर पे मीटिंग हुई थी, है ना, आयोजन वगैरह हुए थे, अभी ऑनलाइन जैसे कि क्लास चल रही है या फिर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हैं। ओके, फिर आपके इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें तो अभी नहीं है, ठीक है। इसमें है सिटीजन बैंड रेडियो। ये क्या होता है, सिटीजन बैंड रेडियो की तकनीक जो है लगभग 20 किलोमीटर के व्यास के मौखिक संचार की तकनीक से होती है। इसमें लगभग 27 MHz संप्रेषण के लिए संदेश भेजने के लिए रखा जाता है। तो सिटीजन बैंड जो है रेडियो के सेट साधारणतः सस्ते होते हैं, लेकिन ये बेतार प्रणाली के द्वारा ग्रामीण तथा पिछड़े दूरदराज के क्षेत्रों में संदेश प्रसारित करते हैं। यानी कि आपने देखा होगा जो पहले के टाइम पे चलते थे रेडियो, जो आज भी चलते हैं, है ना, कि उनके बारे में बता रहे हैं। लगभग 40 चैनल सिटीजन बैंड रेडियो के अब तक आवंटित किए जा चुके हैं। कितने करे जा चुके हैं, 40। अब है आपका उपग्रह संचार। इंटरनेट, ईमेल, सेलुलर, टेलीफोन आदि में संचार उपग्रह के माध्यम से किया जाता है, किंतु आज इंटरनेट, सेलुलर फोन आदि पर आवश्यकता से अधिक कार्य का बोझ हो गया है, यानी कि ओवरलोडिंग हो रही है, इसके संपर्क में बनने में देरी हो रही है। कंपनियां जो है निगम, उनका विशाल एवं व्यापक क्षेत्र में संचार करने पड़ता है,
इसलिए अवरोध से समस्या ग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, फिर आपका जो है ग्लोबास्टर, इरिडियम तथा ओडीसी आदि ने लगभग 100 से अधिक उपग्रह संचार ऐसे उन्नत व्यावसायिक संगठन के किराए पर देने की योजना बनाई है। कुछ संगठन इनका प्रयोग भी करते हैं। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है आपका ये देश का पहला शैक्षिक उपग्रह एजुटिव। इसके बारे में याद रखिएगा कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में देश ने अपने पहले एजुकेशनल सैटेलाइट एजुकेट को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया था। कब किया था, हरिकोटा के सतीश धवन ने किया था सेंटर से 20 सितंबर 2004 को 2004 को ये GSLV-F1 ने 1950 किलोग्राम के एजुटेट को भू स्तर कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया था। एजुसेट से आठों पहल शैक्षिक कार्यक्रमों के द्वारा लोगों का घर क्लासरूम में परिवर्तित हो जाएगा, जिससे छात्र, शिक्षक, प्रोफेशनल भी खुद को जो है अद्यत कर सकेंगे। इस उपग्रह की मदद से आप शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तनों की उम्मीद की जा रही है। एजुसेट को बनाने में नवीन तकनीक का सहारा लिया गया है। ठीक है, तो इसमें सी बैंड है, ट्रांसपोंडर है, नेशनल कवरेज बीम पर नियंत्रण रखने वाला है, क्यू बैंड एवं सी बैंड की मदद से दूर संचार और टेलीविजन सेवाओं की विविधता प्राप्त हो सकती है। अब बात करते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट का एक अत्याधिक वैशाली गतिशील संचार का माध्यम है, जो कि आजकल सब लोगों के लिए उपयोगी है। इंटरनेट की जो शुरुआत है वो 1986 में हुई थी। तब अमेरिका के प्रतिरक्षा विभाग ने अपने आंकड़ों की विभिन्न विभागों से जो दूर दूर के राज्यों में स्थित हैं उनको संदेश भेजने व प्राप्त करने के लिए उपग्रह और केबल नेटवर्क का प्रयोग किया था। बाद में कुछ पुस्तकालय, कुछ निजी स्थान भी इससे जुड़ गए। फिर बेल ब्लैक्स ने जो है इंटरनेट के जाल को फैलाने में काफ़ी सहायता की। ठीक है, किसने, बेल लैब्स में। इसके अनुसंधान निरंतर जारी है। फिर 2005 तक विश्व के 1 बिलियन इंटरनेट के कनेक्शन हो जाने की संभावना हुई। इसके मुख्य भाग क्या होते हैं, इंटरनेट के कुछ मुख्य भाग हैं, सूचना, कंप्यूटर, टेलीफोन, मॉडम नेट और क्षेत्रीय नेटवर्क, वृहत यानी कि बड़ी क्षेत्र में नेटवर्क, आपका उपग्रह संचार, केबल नेटवर्क, इंटरनेट देखने और आपका जनवरी 1995 में भारत ने प्रथम विश्व स्तरीय आंकड़ा सूचना केवल इंटरनेट के रूप से ही शुरू की थी। ये इसको याद रखना है। ठीक है, इस सेवा के अंतर्गत 160 देशों के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क जो है संबंध है। तो अगर हम कहें कि इसके आंकड़ों को अपनी भाषा में बड़ी सरलता से प्राप्त कर सकते हैं, इस विधि को जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम है। ठीक है, इंटरनेट किसका शॉर्ट नेम है, इंटरनेशनल नेटवर्क, शॉर्ट नेम में हम कहते हैं इंटरनेट। दूर संचार के क्षेत्र में पेजर और सेलकुअर फोन के बाद ये अनुसंधान विश्व में 20वीं सदी की अभी तक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इंटरनेट सेवा के कारण कोई व्यक्ति घर बैठे देश विदेश की प्रकार की घटनाओं को देख सकता है, उनसे संपर्क कर सकता है। तो भारत में इंटरनेट का जब प्रवेश हुआ था वो कब हुआ था, भारत में इंटरनेट का प्रवेश हुआ था 1987 में से 1988 में हो गया था, परंतु इस समय इसकी सुविधा जो थी वो सीमित लोगों तक ही थी। कुछ ही लोग इंटरनेट का उपयोग करते थे। जनमानने के लिए इसकी सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड ने गेटवे इंटरनेट सेवा आरंभ की थी। ठीक है, किसने की थी, गेटवे इंटरनेट संचार निगम लिमिटेड ने, इसको याद रखना है, सेवा आरंभ की थी। नवंबर 1998 में इंटरनेट सेवा निजी भागीदारों के लिए खोल दी गई थी। फिर 31 अक्टूबर 2003 तक लाइसेंस शुल्क हटा दिया गया और 1 नवंबर 2003 से लाइसेंस शुल्क मात्र ₹1 वार्षिक रहेगा। देश में पंजीकृत कोई भी व्यक्ति लाइसेंस प्राप्त कर सकता है और 31 अगस्त 2008 तक 336 इंटरनेट जो है सर्विस प्रोवाइड लाइसेंस जारी किए गए। भारत में 612 जिलों में 303 जिलों में इंटरनेट नोड सुविधा उपलब्ध है और देश में इस प्रकार 11.05 मिलियन इंटरनेट उपभोक्ता हैं। इंटरनेट कंप्यूटर के माध्यम में केवल कॉल, एसटीडी एवं आईएसटी किसी भी माध्यम को अपनाने पर लोकल कॉल का जो चार्ज लगता है, वर्तमान में विश्व के लगभग 160 देशों के प्रमुख पुस्तकालय, अस्पताल, अनुसंधान संस्थान, मनोरंजन कक्षा और इंटरनेट के अंतर्गत लाया जाता है। तो इसके सूचनाओं के जो आदान प्रदान होता है वो अत्याधिक सुविधा देता है। अब आपका दूरसंचार विभाग के पैकेट स्विच्ड पब्लिक डाटा नेटवर्क यानी कि आईनेट के उपभोक्ता साइबर स्पेस की नई दुनिया का अनुभव कर सकते हैं। तो अहमदाबाद जो है बंगलुरु और मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, आईनेट प्रथम चरण से ही चल रहा है, जबकि इसके द्वितीय चरण में 80 और शहरों की बढ़ाई जाने की योजना है। ओके,
तो ये आज आपका ये टॉपिक यूनिट 8 जो थी वो आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 9 पढ़ेंगे, जो भी उसका टॉपिक होगा, ठीक है। तो सारे बच्चे अगर इसकी लास्ट वीडियो यानी कि जो पिछली वीडियो है उनको देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब पे UGC नेट एजुकेशन की प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो टॉपिक वाइज आपको सिलेबस की मिलेंगी एजुकेशन सब्जेक्ट की, तो आप उसको देख सकते हैं। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में बताना कि मुझे कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।